तो देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रोजेक्टाइल आज पढ़ते हैं। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया गया नाम है, कब? जब उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के अलोंग, यानी अर्थ के सरफेस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी जाए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे अर्थ के सरफेस के पैरेलली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी गई स्पेस में या हवा में, कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है और उसने आपने उसको इस तरह से फेंक दिया कि जैसे जो भी सड़क है, जो भी फरस है जहाँ पर आप खड़े हो, उस फरस के पैरेलल आपने एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी उस ऑब्जेक्ट को। फिर जैसे ही वो आपके हाथ से अलग हुआ, जब आपने फेंका तो फेंकने पर वो हाथ से अलग हुआ, तो वो आगे मूव करता है, और जब वो आगे मूव करता है तो आपको दिखाई देता है कि साथ साथ वो नीचे भी आता है, आगे भी जाता है और साथ साथ नीचे भी आता है। तो ये जो आगे जाने का कारण तो समझ में आता है कि हमने उसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, नीचे जाने का कारण क्या है? तो ये सोचने पर ये भी हमें समझ में आ जाता है कि जो ग्रेविटी है वो उस पर फोर्स लगा रही है, और जिसके कारण वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में तो आपने प्रोवाइड कर दी वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी उसे वेलोसिटी प्रोवाइड कर देती है, यानी ग्रेविटी के कारण उसके पास एक वर्टिकल वेलोसिटी आ जाती है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाती है, जो कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी वैल्यू होती है उसकी। उस जी के कारण उस बॉडी के पास एक वेलोसिटी नीचे की तरफ भी आ जाती है, ठीक है? तो देखिए, कुछ ऐसी कंडीशन है, आपने ये ऑब्जेक्ट है और आपने इस दिशा में उसको फेंक दिया, ये अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस के पैरेलल, ठीक है? आप देखते हैं ये आगे भी जाता है और साथ साथ नीचे भी आता है, कुछ इस तरह से यहाँ पे गिरेगा ये अर्थ के सरफेस पे आके। तो इस दिशा में तो वेलोसिटी हमने दी, इस दिशा में वेलोसिटी जो ग्रेविटी है वो उसे देती जा रही है, और ये इस दिशा वाली वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे एयर रेजिस्टेंस जीरो है। तो एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दीजिए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी के ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी ना घटेगी ना बढ़ेगी। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रेविटी के कारण वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन, जिसके कारण वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और नीचे की दिशा में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो जिसके कारण एक ही समय पर ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी होगी, एक इस तरफ और एक नीचे की तरफ। तो यहाँ पर टेल टू टेल कनेक्ट है, जिसके कारण पैरेललोग्राम ला लगाइए और रिजल्टेंट वेलोसिटी ये होगी, इसीलिए रिजल्टेंट हमें इधर मिली। फिर इस पॉइंट पर आएगा, फिर से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस तरफ, वर्टिकल इस तरफ और ज़्यादा बढ़ गई, फिर रिजल्टेंट इस तरफ। तो इस प्रकार आपको ये जो ऑब्जेक्ट है वो पैराबोलिक शेप में मूव करता नज़र आएगा, या पैराबोलिक पाथ पर मूव करता नज़र आएगा, ठीक है? तो प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल, अब आपको समझ में आया होगा कि ये तो एक नाम दिया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया गया है। हॉरिजॉन्टली जब मैं बार बार कहूँगा तो इसका मतलब है अर्थ के सरफेस के पैरेलल, तो हॉरिजॉन्टली एयर ये स्पेस में थ्रो कर दिया गया है, और फिर ग्रेविटी के कारण, केवल ग्रेविटी के कारण वो अपनी मोशन करता है। जो भी आगे मोशन आपको आपके हाथ से अलग होने के बाद जो भी मोशन वो शो करता है, वो मोशन केवल अगर ग्रेविटी के कारण हो, तो ये कंडीशन फुलफिल होने पर हम उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कह देंगे। तो प्रोजेक्टाइल के लिए ना ही तो कोई इंजन की आवश्यकता, ना ही किसी फ्यूल की, ये नहीं कि उस ऑब्जेक्ट के साथ इंजन, इंजन के कारण वो मोशन कर रहा है, फ्यूल के कारण कोई मोशन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में फ्यूल है, इंजन है, प्रोपेलर है, इन सब चीज़ों के कारण एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर मोशन शो करते हैं, उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट कम है, और जो ये बाकी चीज़ें हैं इंजन के कारण जो उसके ऊपर फोर्स है, ये फोर्सेस ज़्यादा है, जिसके कारण हमें इन फोर्सेस के कारण, जो इंजन फोर्स लगा रहा है, जो प्रोपेलर फोर्स लगा रहा है, इनके कारण उसकी मोशन नज़र आती है, ना कि ग्रेविटी के कारण, तो इसलिए उन्हें हम प्रोजेक्टाइल नहीं कहते। तो प्रोजेक्टाइल होगा एक तरह का बॉडी फ्री फॉल, मतलब केवल और केवल हर चीज़ से फ्री होनी चाहिए, केवल ग्रेविटी के कारण वो अपनी मोशन करे, ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिरे, उस कंडीशन पर उसको हम प्रोजेक्टाइल कह देंगे। ओके, तो अब ये बता रखा है चलती हुई ट्रेन है, उस ट्रेन से किसी पत्थर को, किसी ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया, तो वो जब नीचे गिरेगा तो वो एक प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। एक एरोप्लेन से बॉम्ब को रिलीज़ कर दिया, बॉम्ब को रिलीज़ करती है, उसके ऊपर हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स जीरो हो चुके हैं, केवल ग्रेविटी अपना फोर्स लगा रही है, उसी के कारण वो नीचे ज़मीन की तरफ जा रहा है, तो बॉम्ब भी क्या कहलाएगा? एक प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। बंदूक से निकली गोली,
गोली बंदूक को छोड़ते ही प्रोजेक्टाइल बन जाती है। जब तक वो बंदूक के कांटेक्ट में, बंदूक के कारण मोशन हो रही है उसकी, तब तक वो आपकी प्रोजेक्टाइल नहीं है। लेकिन जैसे ही वो ये गन से अलग होती है, राइफल से अलग होती है, वो आपकी प्रोजेक्टाइल बन जाती है। हवा में फेंका गया कोई भी पत्थर का टुकड़ा, कोई भी चीज़ किसी भी दिशा में फेंकी गई हो, वो भी एक प्रोजेक्टाइल है। बाला, जेवलिन थ्रो होता है, हैमर थ्रो होता है, ये भी प्रोजेक्टाइल। वाटर जेट, पाइप से निकलने वाला पानी, तो वो पानी भी नीचे गिरता है पाइप से निकलकर, या आपके टैप वाटर जो आप देखते हैं उससे जो वाटर जेट नीचे गिर रहा है, वो भी एक तरह का प्रोजेक्टाइल है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो प्रोजेक्टाइल में कंबाइंड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। दो वेलोसिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट होती है, वर्टिकल चेंजिंग होती है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ठीक है, और ड्यू टू कांस्टेंट एक्सीलरेशन जी। जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो ये बात ध्यान रखना कि एयर रेजिस्टेंस को हम जीरो मानेंगे, अर्थ के जो रोटेशन का इफेक्ट या कर्वेचर का इफेक्ट भी नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लिजिबल होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हर पॉइंट पे कांस्टेंट मान के हम चलेंगे, ये है। अब देखिए, पहले हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है। तो दो तरह के प्रोजेक्शन है, एक एंगुलर प्रोजेक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन में क्या है, ज़मीन से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं ऐसे, और फिर वो उल्टा ज़मीन पर ऐसे गिरता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या है कि हम पहले ऑलरेडी किसी बिल्डिंग पर है और उस बिल्डिंग से ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते हैं, ठीक है, ये एंगल, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ओके। तो इसमें यहाँ से बॉडी को फेंका गया है यू वेलोसिटी के साथ, और वो यहाँ पर गिरती है ग्राउंड पे, तो किसी टाइम टी पर वो यहाँ पर है। तो ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस मान लिया, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी है ये, तो हमने इस तरह से चूज़ कर लिया। तो एक्स दूरी पर पहुंचा है टी टाइम में, और नीचे की तरफ देखें वाई दूरी पर पहुंचा है टी टाइम में। तो ये टी टाइम दोनों के लिए सेम है, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी, क्योंकि टाइम देखा जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इस समय और यहाँ पर है, तो ये जो टाइम है ये वाई और ये एक्स, ठीक है, इतना कवर हो चुका है इतने टाइम के अंदर। तो अब इसमें, अब आपको देखो, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग मोशन चाहिए, यानी हम एक्स निकालना चाहें अगर, तो एक्स और टी अगर हमें पता है तो कैसे निकलेगा। तो ये देखिए, अब आपको पता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो एस एक्स को नाम दे दिया, एक्स को हमने नाम दे दिया एस, ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू है, तो एस इज इक्वल टू यू, और टी लग टाइम लग गया यहाँ तक आने में, प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ए देखिए, मैंने बताया इस दिशा में ना कोई डिसलरेशन ना कोई एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन की वैल्यू जीरो इंटू में टी का स्क्वेयर, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी जीरो। तो एस इज इक्वल टू यू टी, अब एस की वैल्यू रख दो एक्स, एक्स इज इक्वल टू यू टी, तो टी यहाँ से क्या आ गया, टी आ गया एक्स बाय यू। ये देखिए, ये आपके यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन ओ वाई में अगर बात करें, तो ओ वाई में बात करेंगे तो सारी चीज़ें वर्टिकल डायरेक्शन की ली जाएगी, जो भी वेलोसिटी होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन की ली जाएगी। तो इसमें हम एस इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, तो यू वाई आपका इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है, जीरो, ए वाई कितना है जी, और टी स्क्वेयर, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वेयर, हाफ जी टी स्क्वेयर। टी की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे टी की जगह पे, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, और इसमें ये क्वांटिटी पूरी कांस्टेंट है, तो इसको के लिख दो, तो वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, और ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, और ये जो पैराबोला होगा ये सिमिट्रिक होगा वाई एक्सिस के अबाउट, कौन से एक्सिस के अबाउट, वाई के अबाउट। तो जो इस तरफ होता है, जो स्क्वेयर में आपको दिखाई दे रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे बोलते हो आप, तो वो वाले पोर्शन जिस चीज़ के इक्वल है उसी के सिमेट्रिक होता है आपका जो भी ये पैराबोला होगा। तो ये पैराबोला वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी देर तक आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, ठीक है। हवा में रहने का मतलब है स्पेस में, हवा का, हवा है ऑलरेडी, लेकिन उसके रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना हमें,
तो मैं बार बार ये कह सकता हूँ हवा मेरा, तो आप समझ जाना स्पेस मेरा। तो प्रोजेक्टाइल कितने समय के लिए हवा मेरा, ये निकलेगा आपका ये वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसके कारण वर्टिकल। तो अब आपको पता है वाई डायरेक्शन में जो दूरी कवर की गई है वो कितनी तय की गई है टोटल, तो ये टोटल दूरी हमने मान ली एच। तो इस लाइन से यहाँ पर कितना नीचे आ गया ये एच डिस्टेंस का, तो टोटल डिस्टेंस तय कर ली एच। तो एस इज इक्वल टू फिर से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर हम लगाएंगे। तो जब हम ये लगाते हैं तो एस आपका एच हो जाएगा, यू टी यू ये वाला यू वाई 0 है शुरू में, हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, ए वाई की जगह जी और टी की जगह टी आपने टी की जगह कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक है। टी की जगह जो टाइम होगा वो कैपिटल टी रखा जाएगा। तो यहाँ से टी निकाल लीजिए रूट टू एच अपॉन जी। इसी प्रकार आप ओरिजोनटल रेंज भी निकाल सकते हैं। ओरिजोनटल रेंज यानी कि आपका जो वाई एक्सिस है, वाई वाली लाइन दिखाई दे रही है आपको, इस लाइन से ओरिजोनटल डायरेक्शन यानी एक्स के अलोंग कितनी दूर प्रोजेक्टाइल चला, तो प्रोजेक्टाइल चला है इतनी दूर, ये आपकी ओरिजोनटल रेंज, ठीक है। अर्थ के सरफेस के अलोंग कितनी दूर, तो ये ओरिजोनटल रेंज हो जाएगी। ओरिजोनटल रेंज के लिए अब रिस्पॉन्सिबल कौन है, ओरिजोनटल वेलोसिटी, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर आप लगाएंगे तो एस हो जाएगा इसमें कैपिटल आर मान लो, ठीक है, कैपिटल आर। यू एक्स हो जाएगा यू, टी आपने पीछे निकाला रूट टू एच अपॉन जी, क्योंकि जिस समय वो बिल्कुल ग्राउंड को टच करेगा तभी जाके ओरिजोनटल रेंज पूरी होगी, ठीक है ना। तो वो टू एच अपॉन जी फॉर्मूला लगा दो, हाफ ए एक्सिस में 0 है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का, ठीक है बच्चों। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये पीछे वीडियो मैंने करवा दिया था, वहाँ पे आप देख लेना, ओके।